नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे बदलेगी आपकी किस्मत। जी हां, आपके लगातार आते सवालों को देखते हुए आज एक बार फिर जानेंगे भाग्य को मजबूत बनाने वाले गुरुवार के खास उपाय और ये भी जानकारियां देंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। आप जानते हैं कैसे बदलेगी आपकी किस्मत, तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से गुरुवार को किए जाने वाले खास उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है श्रावण और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, योग है शोभन और करण है गर। चलिए अब शुरुआत करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोग, आज किसी लंबी परियोजना को लेकर के, किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को लेकर के आप थोड़ा परेशान और चिंतित हो सकते हैं। आज ऐसे लक्षण बनते दिखाई देते हैं। आज धन को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित संचित करके यानी बचा करके चलने की आवश्यकता है, वरना आगे कहीं जब आपको आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़े तो आप बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो अपने पैसों को बचा करके रखिए, आपके हित में वही रहने वाला। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको कर लेना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का, उसके वेशभूषा का अनादर ना करें, मजाक ना उड़ाएं आज। चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने के योग बनते हैं। अपने स्वास्थ्य व अपने फिटनेस पर आज आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके लिए कुछ मुश्किल सवालों का जवाब, जो काफी समय से आपके लिए बहुत कठिन बना हुआ था, आज उनका उत्तर, उनका हल आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपको आपके सवालों का उत्तर दे सकता है। कोई अनुभवी व्यक्ति से यदि आप सहायता मांगे तो निश्चित तौर पर आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छा होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मा विद्युत माय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का व्यय करने से बचना चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज वही जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिसे आप निभा सकते हो। ऐसी जिम्मेदारी लेने से बचे जिसे आप निभा ना सकें, जो आपके लिए स्वयं बहुत बड़ा कठिन काम बन जाए, तो ऐसी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने से बचना चाहिए। कोई नया व्यापार आरंभ करने के लिए आज का दिन आपके हित में बनता दिखाई देता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपकी दिनचर्या में आ रही सारी बाधाओं को दूर करेगा, जितने भी विघ्न हैं उनको दूर करेगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि आप किसी से कोई बात करते हैं तो सोच समझ करके नपातुला बोलना चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं क्या क्या रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशि फल। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज अपने दिमाग को बहुत शांत रखने की आवश्यकता है। दिमाग को जितना आप शांतचित्त रखेंगे, जितना ठंडा रखेंगे, किसी वाद विवाद से बचेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अपनी जिंदगी की समस्त परेशानियों का अंत सिर्फ आप कर सकते हैं, इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। और फिर उसके बाद जितनी भी समस्याएं, जो भी विवाद चल रहे हैं,
शांत चित्त होकर के एक एक विवाद का समाधान खोजिए। आज की तिथि में आप काफी सारे विवादों से बच सकते हैं, निकल सकते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो थोड़ा सा इंतजार कर लेना आपके लिए हितकारी होगा। अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज के दिनचर्या में आवश्यकता है कि अपना पैसा बहुत ध्यान से खर्च करें। पैसा व्यय करने से पहले आपको हजार बार सोच लेना चाहिए। जहां आवश्यक है वहीं खर्च करें, जहां अनावश्यक खर्चे हैं उनमें कटौती करने की आवश्यकता है। आज की तिथि में ऐसा भी हो सकता है कि किसी करीबी व्यक्ति के व्यवहार से आप थोड़ा परेशान और चिंतित हो जाएं, व्यथित हो जाएं, तो ऐसे में बहुत क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत स्नेह के साथ, बहुत सौम्यता से आप उन्हें उनकी गलतियों का एहसास करा सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्वयमात्रयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यात्रा न करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कह रहे हैं उनके आज के सितारे। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए बहुत दिनों से निरंतर काम करते करते आप कुछ थक से गए हैं तो आज के दिन आपका शरीर जो है वह कुछ आराम मांगता है, कुछ राहत मांगता है, तो आज की तिथि जो है वो आपके लिए कुछ आराम करने की तिथि है। स्वास्थ्य लाभ कर लेना चाहिए। आज शुभ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का भी, मनोरंजन का भी कार्यक्रम आप बना सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो वो आपको बहुत नुकसान दे सकता है। बहुत सोच समझ करके शेयर्स में निवेश करना चाहिए। और अब बारी है तुला राशि की, देख लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज के दिनचर्या में सबसे ज्यादा प्रमुखता अपने स्वास्थ्य को देनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और जितना हो सके अपने खान पान पर ध्यान दें। अपने साथी पर विश्वास करें और किसी और के कहने में आकर के, लोगों के बहकावे में आकर के उनके किसी भी आचरण पर आपको संदेह नहीं करना चाहिए। उनके सुझाव, उनके निर्णय या वो जो आपसे बात करते हैं, किसी भी मंशा पर आप संदेह न करें और किसी भी परिस्थिति में उनका साथ ना छोड़ें। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये बात आपके परिवार में भी लागू होती है, आपके जीवन साथी के साथ भी ये बात उतनी ही लागू होती है। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से आपको दूर रहना है। और अब बारी है वृश्चिक राशि की, देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आवश्यकता है कि आप अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटें। हमेशा चुप रहना आपके लिए सही नहीं है। आज आप अपने निर्णय अपने दिमाग से लें, खुद अपने बुद्धि विवेक से निर्णय करें, सोचें और विचारें, फिर उसके बाद निर्णय करेंगे तो निश्चित तौर पर जो भी निर्णय करेंगे वो सही साबित होगा और आपको अच्छी सफलता उसके आधार पर मिल सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दुर्वा बिल्व प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बहुत पवित्र मास चल रहा है, इन दौरान मांसाहार और मद्यपान के सेवन से, प्रयोग से आपको बचना चाहिए। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ध्यान से काम करना चाहिए। कहीं आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है आज, तो ऐसे में गलती के लिए कोई अवसर, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहिए। आपको आज की दिनचर्या में कुछ सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं, तो कुछ चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, उनके लिए आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज निवेश से, इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं क्या कह रहा है मकर राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में ऐसा भी हो सकता है कि आपका दिल और दिमाग बीते हुए कल की तरफ जाए। पुरानी यादें बहुत ज्यादा आपको परेशान कर सकती हैं, उनके चलते आपकी कुछ चिंताएं बढ़ जाएंगी, आपके ऊपर कुछ दबाव बढ़ जाएगा। पुराने जो भी आपके लेन देन थे या पुराने जो भी आपके अपने अनुभव थे, उससे आपको बहुत ज्यादा समस्या, बहुत कठिनाई आ सकती है, तो ऐसे में पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। और आज की तिथि में आपको अपनी बात कहने का जो तरीका है
वो बहुत साफ रखना होगा, बहुत साफ सुथरे तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को आपके बारे में कोई गलतफहमी ना हो, आपकी मंशा पर किसी को कोई प्रश्न चिन्ह ना आए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ओम दक्षाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि आपके लिए भी यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं है, तो जहां तक संभव हो यात्रा करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में सारे काम नियोजित रूप से करेंगे, प्लान करके करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। सफलता के पूरे योग बने हुए हैं, लेकिन आवश्यकता है खुद को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करने की। आपकी दिनचर्या में लाभ के अवसर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। आपको स्वयं को तैयार बनाना पड़ेगा मानसिक और शारीरिक तौर पर। जो भी अवसर, जो भी छोटे या बड़े अवसर मिले, जो अपॉर्चुनिटीज मिले, उनका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। संतान पर क्रोध करने से बचना होगा। चलिए अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको किसी ऐसे विषय पर बात करनी पड़ सकती है जिसमें आप थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं, आपको कुछ झिझक महसूस हो सकती है बात करने में, लेकिन आपको आज बात करनी पड़ेगी। आज की दिनचर्या में आपको कुछ ऐसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं जो आपके लिहाज से बहुत आवश्यक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जहां परिवार की इच्छा हो वहां आपको खर्च करना चाहिए। जहां परिवार की और दूसरों की इच्छा है, दूसरों की मर्जी है, उनकी खुशी के लिए आपको पैसे खर्च करने चाहिए। आज की दिनचर्या में अगर आप कहीं निवेश की योजना बना रहे हैं तो आपका ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री दुर्गा सहस्रनाम स्त्रोतम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। घर में धातु का धारदार कोई जंग लगा हुआ सामान, कोई हथियार, कोई औजार आज आपको अपने आसपास न रखना चाहिए, न ही आप स्वयं अपने हाथों से प्रयोग करें, क्योंकि ऐसे किसी सामान से, औजार से कुछ दुर्घटना के योग बनते हैं आपके लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे शिव नाम जाप के नियम। माफ कीजिएगा, आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के नियम बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है, आज गुरुवार है। आज गुरुवार की तिथि में मैं आपको 16 छोटे छोटे खास उपाय बताऊंगा जिससे देवगुरु बृहस्पति जो हैं वह आपकी किस्मत पलट सकते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में गुरुग्रह बृहस्पति को बहुत शुभता का प्रतीक माना गया है। जो हमारे बृहस्पति ग्रह हैं, महिलाओं के लिए इन्हें पति कारक माना जाता है और पुरुषों के लिए इन्हें धन कारक हमारे धर्मशास्त्रों में माना गया है। तो आज की तिथि में अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति से संबंधित कोई दोष है आपकी कुंडली में, किस प्रकार से आप उन्हें दूर कर सकते हैं और ऐसे नियम जो गुरुवार से आरंभ करके आप अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना सकें, छोटे छोटे उपाय, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो गया तो आपका ज्ञान का क्षेत्र भी बढ़ेगा, बुद्धि विवेक में भी आप बहुत आगे निकल सकते हैं। धन के मामले में, सामाजिक पारिवारिक मान सम्मान प्रतिष्ठा के मामले में भी आपकी स्थिति बहुत मजबूत हो सकती है, बहुत समृद्ध स्थिति हो सकती है। जिन शादीशुदा महिलाओं की दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति होती है, यदि वो लोग इन उपायों को अपनाएं, इनमें से कुछ उपाय भी यदि आप अपना लेते हैं तो आपका दाम्पत्य सुख जो खो गया है वह भी आपको पुनः प्राप्त हो सकता है, यानी आपका सौभाग्य पुनः एक बार जागृत हो सकता है। तो ये जो छोटे छोटे उपाय हैं ये बहुत आवश्यक हैं। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों और ज्योतिष ग्रंथों में गुरु यानी बृहस्पति को शुभ देवता और ग्रह माना गया है। इसके शुभ प्रभाव से जहां एक ओर लंबी आयु, मनचाही नौकरी और धन के साथ साथ पिता का प्रेम और धर्म कर्म का सुख और लाभ मिलता है, वहीं कन्या के जीवन में जीवन साथी का निर्णय करने वाला भी देवगुरु बृहस्पति ही माने गए हैं। तो एक योग्य जीवन साथी मिलना, योग्य वर मिलना किसी विवाह योग्य कन्या को, उसके लिए भी बृहस्पति जिम्मेदार है। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति है उसके लिए भी बृहस्पति जिम्मेदार है। तो आज का ये उपाय का एपिसोड आपके लिए बहुत आवश्यक हो सकता है।
हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार शुभ ग्रह होने के बावजूद हमेशा गुरु जो है वह हर व्यक्ति को शुभ फल नहीं देता। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में ठीक है तो वो हमेशा आपको शुभ प्रभाव देगा, या बृहस्पति का प्रभाव शुभ है तो वो हर व्यक्ति को शुभता देगा, ऐसा कहीं कोई आवश्यक नहीं है। बल्कि अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आने पर उसके बुरे प्रभाव से रोग, नौकरी या कारोबार में परेशानी, माता पिता से विवाद, आपके उच्चाधिकारियों से विवाद और कन्या के विवाह योग्य कन्या के विवाह में भी बहुत सारी दिक्कतें और बाधाएं आती हैं। इसीलिए गुरु दोष के बुरे असर से बचने के लिए कुछ धार्मिक उपाय बताए गए हैं। इसी श्रेणी में गुरु चांडाल योग भी आता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को हमेशा दरिद्रता में ही रहना पड़ता है। इन सभी प्रकार के दोषों से, कष्टों से बचने के लिए आज मैं उपाय बता रहा हूँ। इन छोटे छोटे उपाय को करके आप गुरु ग्रह बृहस्पति को अपने अनुकूल बना सकते हैं, और जब एक बार बृहस्पति देवता अनुकूल हो गए तो जीवन में कोई भी ऐश्वर्य, कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहला उपाय है कि हर दिन प्रतिदिन गुरुवार से स्नान करके, जब से आप यह उपाय आरंभ करें, गुरुवार से स्नान करके मस्तक पर और नाभि पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। यह बहुत माना हुआ उपाय है। साथ ही भोजन में केसर के एक दाने का प्रयोग यदि आप करते हैं, या आप जब स्नान ध्यान करके उठें, पूजा पाठ करके उठें, तो बासी मुंह या खाली मुंह एक दाना केसर अगर मुख में आप रखते हैं तो इससे भी बृहस्पति के योग में बहुत मजबूती आती है। किसी योग्य ब्राह्मण से जानकारी लेकर के हर गुरुवार को स्वयं भी आप गुरु पूजा कर सकते हैं, और गुरु मंत्रों का जाप किया जाना, विष्णु सहस्रनाम, गुरु कवच का पाठ करें तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और अगर आप खुद ना कर सकें तो आप किसी योग्य ब्राह्मण से करा सकते हैं। तीसरा उपाय यह है कि साधु, ब्राह्मण देवता और पीपल के वृक्ष की पूजा आपको नियमित करनी चाहिए गुरुवार से आरंभ करके। और अगर आप हर दिन नियमित नहीं कर सकते तो कम से कम गुरुवार के दिन आपको ये नियम बना लेना चाहिए। गुरुवार से आरंभ करके पीपल की जड़ में जल अर्पित करना, चने की दाल और पीले रंग की मिठाइयां अर्पित करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। पांचवा उपाय यह है कि यथाशक्ति हर गुरुवार को आपको प्रयास करना चाहिए कि पीले वस्त्र में चने की दाल, गुड़, बूंदी के लड्डू, पीले पुष्प, केले का फल, पीला चंदन, हल्दी, हल्दी की खड़ी गांठें यदि आप दान करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। धार्मिक पुस्तकें, पीले रंग की मिठाई और घी यानी शुद्ध देशी घी का दान किसी ब्राह्मण को करें। सात गुरुवार तक गुरु ग्रह बृहस्पति की पूजा में चढ़ाई जाने वाली जो दाल है वो आपको एकत्रित करनी है, और उसके बाद आपको वो सारी दाल एकत्रित करके घोड़े को खिला देनी है अपने हाथ से, बहुत अच्छा फायदा मिलता है। उसके बाद पीले रंग के धागे में गुरुवार के दिन पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी आपकी कुंडली में अशुभ बृहस्पति के दोष को दूर कर सकता है। आठवां उपाय यह है कि किसी ब्राह्मण को बेसन के लड्डू और केसर से बनी हुई यानी केसर मिली हुई खीर को अगर आप खिलाते हैं, उनको इसका भोजन कराते हैं तो आपको फायदा मिलता है, यानी मिष्ठान भोजन, आपको किसी ब्राह्मण को मीठा अन्न खिलाना है। नौवां उपाय यह है कि यदि संभव हो जाए तो बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का जाप आप किसी ब्राह्मण से करा सकते हैं। इसको करा करके गुरु ग्रह की शांति कराएं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ब्राह्मण छोटे बच्चे को केले का वितरण खासतौर पर गुरुवार की तिथि में करना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। ग्यारहवां उपाय यह है कि किसी गुरुकुल में या किसी स्कूल में, विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री का वितरण करना भी आपको अशुभ बृहस्पति की स्थिति में बहुत अच्छी शुभता, बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। बारहवां उपाय यह है कि गुरु गायत्री व विष्णु गायत्री मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अब आप सोचेंगे कि गुरु गायत्री मंत्र क्या है, आइए ये भी आपको बता देता हूँ। गुरु गायत्री मंत्र इस प्रकार से है, ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात। इसके बाद विष्णु गायत्री मंत्र को सुन लीजिए, फिर दोनों मंत्र एक बार पुनः आपको बता देता हूँ। विष्णु गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। इस प्रकार से आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। गुरु गायत्री मंत्र पुनः एक बार ध्यान से सुने, ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात। इसके बाद विष्णु गायत्री मंत्र, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। तो इन दोनों मंत्रों का जाप आप गुरुवार से आरंभ करके रोज 108 बार कर सकते हैं। अगर रोज ना कर सके तो कम से कम गुरुवार को अवश्य कर लेना चाहिए। उसके बाद तेरहवां सुझाव यह है कि पीले वस्त्र में, पीले कपड़े में हल्दी लपेट करके हल्दी की पांच खड़ी गांठें अपने साथ आपको रखना चाहिए। अपने बैग में भी शुभता के लिए रख सकते हैं, अपने बेडरूम में पिलो के नीचे, तकिया के नीचे रखें तो भी आपको फायदा मिलेगा। चौदहवां उपाय यह है कि केले अथवा पीपल के वृक्ष की जड़ में, जड़ को दाहिने हाथ में धारण करने से, बांधने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इससे आपका भाग्योदय हो सकता है।
पंद्रहवां उपाय यह है कि सात रत्ती पुखराज गुरुवार के दिन पहली उंगली में आपको धारण कर लेना चाहिए। गुरुवार को ये पुखराज पहनने से पहले इसे प्राण प्रतिष्ठित कर लेना, सिद्ध कर लेना अनिवार्य होता है। और सोलहवां उपाय यह है कि प्रयास ये करना चाहिए कि महीने में कम से कम एक बार किसी एकादशी को, जो भी दो पक्ष में एकादशी पड़ती है, या पूर्णिमा को या फिर गुरुवार को ही सत्यनारायण भगवान की कथा आप अपने घर में अवश्य करा लें। तो ये था आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।